सैलानियों की पहली पसंद बनी सोलंग नाला। लाखों की तादाद में पहुंचे सैलानी खिलखिलाती धूप में भी खूब लुफ्त उठा रहे हैं। सैलानियों का कहना है, यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ जैसे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। अलग अलग तरह के एडवेंचर जैसे पैराशूट, पैराग्लाइडिंग, स्की व अन्य एडवेंचर करने को है। बर्फ़ के बीच पैराग्लाइडिंग करने का आनंद ही अलग है। मन तो कुछ इस तरह से करता है कि यहाँ से जाए ही नहीं। यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही सीधे सादे हैं। आज हमने सोलंग नाला में एडवेंचर के साथ साथ स्की भी खूब लुत्फ़ उठाया। छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। उनका हौसला देखकर मन प्रसन्नचित हो उठा, वरना आजकल के मोबाइल में व्यस्त नजर आते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी अगले वर्ष अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएंगे ताकि वो भी कुछ सीख सके। हिमालय स्की के निर्देशक अमिताभ शर्मा को बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई। आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीख पाएगी। मनाली से कंचन मीनू की रिपोर्ट। मैम आपका नाम क्या है? हाय अंजलि। हम अंजलि का। कहाँ से आए हम? दिल्ली। दिल्ली फ्रॉम गांव। तो इस टाइम आप स्नोफॉल के बीच में हैं, तो किस तरह के एंजॉयमेंट कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है। एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया है हमने, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ करने वाले एंड बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्नो देख रहे हैं आप। इट्स वेरी नाइस। तो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब काश कर जब वो फॉल हो रहा हो, स्नोफॉल हो रहा हो। हाँ, हम थोड़ा मिस कर गए बट हाँ जरूर। तो अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की आपने? अभी तो हमने सिर्फ वो ट्यूब की है, उसके बाद एक और हाँ वो बाइक राइड है वो भी करने वाले।